हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो जैसे देखिए, ये पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, कब से कब तक चला था? तो ये चला था 21 अप्रैल 1526 तक। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था। और ये पक्ष कौन थे, बाबर ने किसके साथ युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम निकल के आया था कि बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर दो, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को। और इसमें बाबर के साथ और किसका युद्ध हुआ था? तो राणा सांग एवं बाबर के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। और परिणाम निकल के क्या आया था कि बाबर विजयी हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो अब हम बात करते हैं आगे, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर तीन, चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून को लड़ा गया था। 29 जून 1528 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? मेहदनी राय व बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या निकल के आया था कि बाबर ही इस युद्ध में भी विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर। अब हम बात करते हैं नंबर चार, घाघरा का युद्ध। वर्ष कितना था? यह था 6 मई 1529। 6 मई 1529 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। और क्या था ये, किसके पक्ष में? पक्ष में अफगानों एवं बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। और इसमें परिणाम क्या निकल के आया था कि बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा है और चारों में बाबर ही विजयी हुआ है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, नए जोश के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इस पे ध्यान देते हैं। तो चलिए देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। और प्लीज़ सामने देखते रहिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हेलो दोस्तों, नमस्कार।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो जैसे देखिए, ये पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध।